किचन के हर काम को आसान कर देंगे ये छोटे छोटे टिप्स। नंबर वन, आलू की पेटी या टिक्की बनाने के लिए आलू को अच्छी तरह उबाल कर रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर ले, इससे टिक्की गलेगी नहीं और अच्छी बनेगी। नंबर टू, बाजरे या ज्वार में गर्म पानी डालकर आटा गूंथे, इससे रोटियां नरम बनेगी। नंबर थ्री, अदरक लहसुन को ग्राइंड करते समय उसमें थोड़ा सा तेल व नमक डाल दे और फिर स्टोर करें, इससे वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। नंबर फोर, गुलाब जामुन बनाने के लिए डोहे बनाते समय उसमें दूध मिलाएं, इससे गुलाब जामुन नरम बनेंगे। नंबर फाइव, चिकन को मैरिनेट करते समय उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं, इससे चिल्ली चिकन सॉफ्ट बनेगा। नंबर सिक्स, बूंदी का रायता बनाते समय उन्हें नमक और मसाला मिली हुई दही में डायरेक्ट डालें, इससे रायता टेस्टी बनेगा। नंबर सेवन, पूरियों को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे, इससे वो फ्राई करते समय ज्यादा तेल नहीं सोखेगी। नंबर एट, मूंग दाल के चिल्ले बनाते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला ले, इससे चिल्ले कुरकुरे बनेंगे। नंबर नाइन, हरी चटनी को आइस क्यूब ट्रे में जमा कर स्टोर करें, इससे वो ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहेगी। नंबर टेन, ग्रेवी में अगर घी ज्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे घी जम जाएगा और आप उसे आसानी से बाहर निकाल सकती है। नंबर 11, सब्जी बनाते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्री को एक साथ ना डालें, बल्कि जो चीजें पकने में ज्यादा समय लेती है उन्हें पहले थोड़ा सा पका लें और फिर दूसरी चीजें डालें। नंबर 12, चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप और मेयोनेज को मिक्स करें। लीजिए, आपकी चिली मेयोनेज डिप तैयार है। नंबर 13, रायते में हींग जीरा भून कर डालने की बजाय उसका तड़का लगाएं, इससे रायता ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। नंबर 14, बेसन की बर्फी में थोड़ी सी सूजी मिला ले, इससे बर्फी दानेदार और टेस्टी बनेगी। नंबर 15, ग्रेवी वाली डिश बनाते समय उसमें टमाटर जरूर डाले, इससे सब्जी की ग्रेवी टेस्टी और स्मूथ बनेगी। नंबर 16, दही जमाते समय दूध में छोटा सा नारियल का टुकड़ा डाल दें, इससे दही 2-3 दिन तक ताजा रहेगी। नंबर 17, ग्रेवी वाली दाल सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो उसमें सूखी ब्रेड का चूरा या बेसन भून कर डाल दें, ग्रेवी भी गाढ़ी होगी और सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा। नंबर 18, मिर्च के अचार में थोड़ी सी हींग डाल दें, इससे मिर्च का अचार खराब नहीं होगा। नंबर 19, पकोड़े बनाते समय उसके घोल में एक चुटकी अरारोट और थोड़ा सा गरम तेल मिला ले, इससे पकोड़े ज्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर 20, हर्ब्स को काटते समय उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क ले, इससे वह इधर उधर नहीं फैलेंगे। नंबर 25, जब भी आप आमलेट पका रहे हो तब अंडे को फेंटे और कढ़ाई को हिलाए, इससे आमलेट सही बनेगा। नंबर 22, बेलन को 4-5 मिनट फ्रिज में रखने के बाद रोटियां बनाएं, इससे आटा बेलन पर नहीं चिपकेगा। नंबर 23, बारीक कटी सब्जियां पकाने से खपत को 50% तक कम किया जा सकता है, इसलिए सब्जियों को जितना हो सके बारीक काटें। नंबर 24, कीवी को 2 हिस्सों में काट कर चम्मच से उसका पल्प निकालें, इससे वो आसानी से निकल जाएगा। नंबर 25,
लच्छा परांठा बनाते समय लच्छे को कुछ समय फ्रिज में रखें और फिर सेंकें। इससे एक एक परत आराम से उतरेगी। नंबर 26। पास्ता उबालते समय उसमें थोड़ा सा तेल मिला दें, इससे वो आपस में चिपकेगा नहीं। नंबर 27। पुदीना और धनिया की हरी चटनी तैयार करते समय एक चुटकी हल्दी पाउडर और नींबू का रस मिलाएं, इससे उसका रंग बरकरार रहेगा। नंबर 28। चावल में अगर ज्यादा पानी हो गया हो तो उसमें एक ब्रेड का स्लाइस रख दे, ब्रेड बचा हुआ पानी सोख ले ले। नंबर 29। काजू कतली को पॉलिथीन या पार्चमेंट पेपर के बीच रख कर बेले और फिर उसे डायमंड शेप में काटे, इससे काजू कतली की शेप खराब नहीं होगी। नंबर 30। चाहे वह सफेद या ब्राउन शुगर हो, टमाटर सॉस में इसका सिर्फ एक बड़ा चम्मच डालें, इससे सॉस का स्वाद बढ़िया आएगा। धन्यवाद।